गरियाबंद जिले की बिंद्रा नबागढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिंद्रा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने किसानों का कर्ज माफ किया था और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अब हम 2640 रुपये में धान खरीद रहे हैं और किसानों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। आज हम फिर वायदा कर रहे हैं कि हम धान 3200 रुपये में खरीदेंगे और किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे। आज बिंद्रानगढ़ विधानसभा में चुनावी सभा करने का अवसर मिला और उसमें जबरदस्त उत्साह किसानों में, नौजवानों में, महिलाओं में देखने को मिला। 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ जीत हासिल करेगी, ऐसा पूरा विश्वास। सत्ता तो वही चला रहे हैं, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, बंद क्यों नहीं करा? अभी तक तो बंद नहीं हुआ है। हम तो सर लूप और सर्कुलर भी जारी किए, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले साथ महादेव के साथ गठबंधन हो गया है और लेन देन हुआ, इसका खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।